हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जीके का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए आपका सीजीएल में, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास मोटा मोटी 100 दिन का टाइम है अभी से लेकर आपका एग्जाम तक, क्योंकि एग्जाम जो है आपका 4 जून से स्टार्ट होगा। तो उस हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट अभी से भी अगर 2 घंटा 2.5 घंटा अगर टाइम डिवोट करके अगर तैयारी करे तो डेफिनेटली जो है उसका स्कोर 35+ आ जाएगा, ठीक है। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ जीके इन सीजीएल टीयर 1 क्या होगा, ठीक है, और उसमें गुड मार्क्स 35 क्यों इम्पोर्टेंट है। एक चीज आप जान लीजिए कि मैथ्स ऐसा चीज है जिसमें एवरेज स्टूडेंट को 45 आता है मार्क्स, ठीक है, टीयर 1 में स्पेशली अगर बात करें तो। रीजनिंग जो है उसमें 45 मार्क्स उनका डेफिनेटली आ जाता है। इंग्लिश है, अगर एक अच्छा से तैयारी चल रहा है तो 35 तक भी आ जाता है, यानी अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपका 125 स्कोर तो आ जाता है। अब यहाँ बात आता है कि जो लोग जीके में अच्छे हैं वो 35+ स्कोर लाके 160 मार्क्स ले आते हैं, और जिनका अगर जीके अच्छा नहीं है तो वो ज्यादा से ज्यादा एवरेज जो स्कोर जाता है जीके में वो 15 जाता है, तो यानी कि 140 तक वो रह जाते हैं। वो भी 140 किनको आ रहा है, जिनको मैथ में 45, रीजनिंग में 45 और इंग्लिश में 35। अगर आप यहां भी अगर अपने स्कोर को कम लाएं तो आपका स्कोर रह जाएगा 120 से लेकर 140 के बीच में, ठीक है। और जीके अगर आपका अच्छा है, जो बच्चा 40 ले आया 45 ले आया, तो उसका स्कोर तभी तो जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो 170+ या 180+ जाते हैं, उनका स्कोर डेफिनेटली जीके में 40+ मार्क्स रहता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि उनका स्कोर अगर 180 टीयर 1 में ही आ गया और 320 अगर टीयर 1 में आ गया तो यहां से उनका स्कोर हो जाता है 500। अब आप समझिए कि 500 टीयर 1 टीयर 2 मिलाकर आ गया और डिस्क्रिप्टिव में आप 60 मार्क्स भी ले आए तो आपका सिलेक्शन तो फिर इनकम टैक्स जितने भी ऊपर के पोस्ट है वो हो जाएगा। तो ये ज्यादा फोकस होता है कि उनको जीके में एटलीस्ट 35+ स्कोर ले आए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जीके ही ऐसा चीज है जो कि आपके स्कोर को बूस्ट करेगा, क्योंकि जीके में जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे आपका स्कोर उतना बूस्ट होने वाला है, ठीक है। दूसरा बात करें हम कि टाइम आपके पास 100 दिन है और 100 दिन कम नहीं होता है, ठीक है, आप जीके को कवर कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। और आपको टाइम 2 घंटा देना है, 2 घंटा नियमित रूप से अगर आप स्टार्ट कर दिए हैं, अगर आज से भी कर दिए इस वीडियो को देखने के बाद, तो अभी से लेकर एग्जाम जो है आपका 4 जून तक यानी 3 जून तक अगर आप अपना रिवाइज करते रहे तो आपका जो है स्कोर डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। देखिए जीके में टॉपिक क्या होता है, तो जीके में टॉपिक होता है हिस्ट्री पढ़ना होता है, ज्योग्राफी पढ़ना होता है, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स। क्योंकि जो आपका न्यू वेंडर है टीसीएस, उसका जो क्वेश्चन, वो जो आज क्वेश्चन पूछता है तो उसमें करेंट अफेयर्स का टोटल तो 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन में करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन अराउंड आपके रहेंगे इस बार सीजीएल में, ठीक है। तो यानी कि अब बचे आपके पास 20 क्वेश्चन। मिसलेनियस ऐसा चीज है जहां से 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ जाते हैं, तो 8 क्वेश्चन हो जाता है। और साइंस सेक्शन यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इससे जो है आपके 10 क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनते हैं। और जो रिमेनिंग जो चैप्टर बचे, यानी कि 10 यहां से हो गया, 5 × 3 = 18 हो गया, 7 क्वेश्चन यहां से आपके रहेंगे, ठीक है। तो ज्यादा फोकस जो है आपको करना है साइंस सेक्शन में, स्पेशली बायोलॉजी हो गया, जो फॉर्मूलाज हो गए केमिस्ट्री में, फिजिक्स हो गए, तो साइंस सेक्शन से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी जो चैप्टर्स बचे उसमें 7 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको अपना तैयारी करना, फोकस करना है। तो सबसे पहले तो आपको कवर करना है साइंस सेक्शन, मिसलेनियस सेक्शन और आपको करंट अफेयर सेक्शन। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो 18 क्वेश्चन यहाँ से आपके आएंगे और 18 × 2 यानी कि 36 मार्क्स के आप तैयारी यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। बाकी बचे 14 मार्क्स, तो उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको रणनीति को अभी से ही सोचना है और उसके बाद अपना ध्यान देके तैयारी करना है। बुक देख लीजिए, बुक के लिए अगर बात हुआ तो बुक जो है आपके पास जो मोस्ट फेवरेट बुक है सीजीएल के लिए वो है लूसेंट। क्राउन पब्लिकेशन का भी बहुत अच्छा बुक आता है, अरियंत का भी बहुत अच्छा है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए अरियंत बेस्ट है, हिंदी मीडियम वाले के लिए क्राउन बेस्ट है, लूसेंट बेस्ट है, लूसेंट का इंग्लिश भी आता है वो भी बेस्ट है। अगर आप कवर करना चाहते हैं साइंस सेक्शन को, तो साइंस सेक्शन में बायोलॉजी सेक्शन आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं, उसके बाद जो आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ये कवर आप कर सकते हैं क्राउन से, कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले, ठीक है।
उसके बाद ये बुक तो आपको कवर करना ही करना है, उसके बाद इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको यहाँ से कवर कर लेना है। साथ में जो है करेंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और करेंट अफेयर्स के लिए आप जो है नवंबर से लेकर और जो है मई तक, क्योंकि जून में आपका एग्जाम है तो मई तक का करेंट अफेयर्स तो होना चाहिए। और इसमें जो है जितने भी अपॉइंटमेंट्स है, मैंने आपको बताया भी थे करेंट अफेयर्स के टॉपिक का, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर, अब बात आती है प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर तो बहुत जरूरी है करना। हाँ, ये बात सही है कि 3 महीना के टाइम में पूरा प्रीवियस ईयर को कवर करना वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि आपको याद करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार पढ़ना है तो थोड़ा टास्क है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये सारे चीज हो गए आपको। अब क्या है कि ये जितने चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं, अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हिस्ट्री में आप देख लीजिए एंशियंट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आता है, मेडिएवल से एक क्वेश्चन रहते हैं, ज्योग्राफी से भी जितने भी क्वेश्चन है, अब देखिए जो क्वेश्चन बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है, सोलर सिस्टम, रॉक हो गया, ये सब, तो उससे जो है ज्यादा क्वेश्चन एराइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है उस पर आपको उसको फोकस करना है। ठीक है, मिसलेनियस में देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क हो गया, नेशनल पार्क, यूनेस्को हेरिटेज हो गया, कंट्री कैपिटल हो गया, फर्स्ट कौन है, तो ये सब टाइप के क्वेश्चन मिसलेनियस से बहुत आते हैं, तो ये आपको कवर करना है सब कुछ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये चीज हो गया, और अब क्या है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपको किस तरीके से हेल्प करने वाला हूं, तो वो भी आपको बता दो। तो जितने भी ये चैप्टर्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी चैप्टर्स आप देख रहे हैं, तो मैंने 3 महीने के हिसाब से एक ऐसा क्रैश कोर्स जो है जीके का मटेरियल तैयार किया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये ऐसा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैथ का मटेरियल जो है तैयार कर चुका था, वो बहुत अच्छा लोगों ने लिया भी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है उनका, क्योंकि उनको बहुत अच्छा मार्क्स आए। 3 महीना 4 महीना में कैसे कवर कर ले, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने मैथ्स के मटेरियल दिए, इंग्लिश में वोकैब के दिए हैं, उसके बाद ग्रामर के दिए हैं। अब क्योंकि जीके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और 3 महीना के हिसाब से आपको क्या पढ़ना चाहिए वो मैंने उस मटेरियल में दिया है। और ये बात आप जान लीजिए कि इस मटेरियल में जो है जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हर एक चैप्टर से, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद क्या है कि 1000 जो है क्वेश्चन का एक टेस्ट मैंने आपके लिए दिया है कि 1000 क्वेश्चन उसमें रहेंगे और वो 1000 क्वेश्चन मस्ट डू है, उसको करना है। जितने आपके हो गए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस सेक्शन और मिसलेनियस, ये सारे का जितना भी निकल कर आता है डिफरेंट डिफरेंट जगह से अच्छे अच्छे चीज, वो मैंने इसमें दिया है। उसके बाद 200 प्लस क्वेश्चन जो है हर एक चैप्टर का मैंने दिया है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतना तय है कि उस मटेरियल को अगर आप इस 3 महीना में अगर आप कंप्लीट कर लेते और डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट मैंने डाल दिया है इसमें, तो डेफिनेटली है कि उस मटेरियल से आपको, सिर्फ उस मटेरियल को पढ़ के आपको 35 प्लस स्कोर आ जाएगा। ठीक है, अब उस मटेरियल में क्या है, मैं वो थोड़ा आपको डेमो दिखा देता हूं कि उस मटेरियल में क्या आपको मिलेंगे। तो ये देखिए, ये हो गए आपके साइंस सेक्शन, इससे 20 मार्क्स के आसपास आपके आते हैं। तो उसमें मैंने पूरा जो है आपको पीडीएफ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट चीज है वो सब एकदम फिगर के साथ यहाँ पर दिया हुआ है, और एकदम ऐसा दिया हुआ है कि आप करेंगे तो आपका डेफिनेटली जो है यहाँ से साइंस सेक्शन दिया हुआ, हर चीज यहाँ पे कवर है, जो इम्पोर्टेंट चीज है ये अराउंड 40 पेज के आसपास होगा, तो ये आप कर लेंगे, आपका सब कुछ एक ही सेक्शन में मैंने डाल दिया है। ठीक है, साइंस सेक्शन करके मैंने डाल दिया है और यहाँ पर 42 पेज के हैं ये। ठीक है, तो ये अगर आप कर लेते हैं तो इस पूरा पीडीएफ को पढ़ के इस 40 पेज से आपको जो है 20 मार्क्स आ जाएगा, कि कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट हो, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कवर कर सकते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड जो साइंस का क्यूज है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए दिया है कि जितने इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर से लिया हुआ क्वेश्चन सब है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हैं, जो ये पूछा गया था 2013 में, इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज है उसके जो हैंड रिटन नोट्स है वो मैंने आपके लिए तैयार किया है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो जो भी इम्पोर्टेंट चीज हो। अब लूसेंट पढ़ने का तो उतना टाइम है नहीं, लेकिन लूसेंट से बेस्ट मटेरियल मैं आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ही नहीं हो, सब कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज हो एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ आप पढ़ सकें। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये सारे 1000 प्लस क्वेश्चन है जो हिंदी में दिए हुए हैं, तो ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और इस 10 सेट को, 1000 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं
तो डेफिनेटली है कि सब कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, ये आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो है 3 महीने के हिसाब से, यानी कि 100 दिन के अंदर में अगर आप इसको जो है पूरा कवर कर लेते हैं, जितने भी 1000+ क्वेश्चन है उसको बना लेते हैं, जितने भी उसके नोट्स दिए हुए हैं उसको आप पूरा पढ़ लेते हैं, उसमें दिए हुए क्यूज को आप कर लेते हैं अच्छे से, तो डेफिनेटली जो है कि आपको किसी और बुक को रेफरेंस लेने का जरूरत नहीं होगा। ये सारा चीज आप यहीं से कर सकते हैं और डेफिनेटली इसको पढ़ के 35+ स्कोर आप ला सकते हैं। ठीक है, और इस मटेरियल को लेने का बेस्ट तरीका तो यही है कि आप मेरे जीमेल आईडी पर जाएंगे, roshanmuz6@gmail.com पे जाना है आपको, वहां पर जाकर मैसेज करना है कि आपको चाहिए। और इसका प्राइस मैंने 500 रुपीज रखा है, लेकिन अभी क्योंकि अभी से लेकर और 28 फरवरी तक, ठीक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में ही उपलब्ध कराए जाएंगे, सिर्फ 300 रुपीज में। ठीक है, और इस पेमेंट करने का मेथड है गूगल पे, गूगल पे का नंबर ये हो गया, फोन पे का नंबर ये हो गया और पेटीएम का नंबर ये हो गया। और ये पेमेंट करने के बाद एक स्क्रीनशॉट लेकर आपको मेल करना है मुझे roshanmuz6@gmail.com पे, और उसके बाद आपको जो है मटेरियल 1 घंटे के अंदर में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जीमेल पे ही। ठीक है, तो ये कर लीजिए। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो लोग ये चीज को अगर लेंगे, इस पैकेज को लेंगे, उनको एक बेनिफिट्स ये मिलेगा कि मैं उनको जो है करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, लेकिन नवंबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये सारे महीने का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फरवरी तक अगर जो लोग लेते हैं उनको मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अभी जो लेंगे उनको जो है फरवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक का 3 महीने का करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वो लोग ले लें और अपना तैयारी को बूस्ट करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।